जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में नमो नमो वाले जा रहे हैं और जय भीम वाले आ रहे हैं। सपा वे बसपा के उम्मीदवारों के समर्थन में मेरे साथ साथ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को भी सुनने के लिए यहाँ बदायूं में भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इसके साथ ही आज मुझे आपकी सपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में नमो नमो वाले जा रहे हैं और जय भीम वाले आ रहे हैं, जिनकी इस समय देश को काफी ज्यादा जरूरत भी है। और अब मैं इस चुनाव को लेकर कुछ जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं, लेकिन इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को इनकी इस बात का जरूर जवाब देना चाहूंगी जो इन्होंने हमारे गठबंधन के बारे में इशारा करते हुए ये कहा है कि यदि इनके अली हैं तो हमारे बजरंग बली हैं, ये कहा है। लेकिन इस संबंध में मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं, अर्थात हमारे ये दोनों अपने ही हैं और इन दोनों में से कोई भी गैर नहीं है। इसलिए हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। और खासकर हमें बजरंग बली इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की दलित जाति से ही जुड़े हैं और इनकी जाति की खोज मैंने नहीं की है बल्कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने की है और इन्होंने ही खुद जनता को ये बताया है कि बजरंग बली वनवासी व दलित जाति के ही हैं। और इसलिए मैं इनकी बहुत बहुत आभारी भी हूँ, योगी जी की बहुत बहुत आभारी भी हूँ कि इन्होंने हमारे वंशज के बारे में हमें ये बहुत खास जानकारी दी, अति महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए खुशी की बात ये है कि अब हमारे साथ अली भी हैं, बजरंग बली भी हैं, जिनके गठजोड़ से हमें इस चुनाव में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे इस गठजोड़ के साथ में यहाँ पिछड़ा वर्ग व अपर कास्ट समाज के दुखी व पीड़ित लोग भी जुड़े हैं, जो ये लोग भी बीजेपी की केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हैं। और अब मेरा यही कहना है कि देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश से योगी की पार्टी को ना अली का वोट पड़ेगा और ना ही मेरी जाति से जुड़े बजरंग बली का भी वोट पड़ेगा। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में यहाँ बजरंग बली की जाति से जुड़े हमारे दलित वर्ग के लोग कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता जहाँ कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी
तथा अन्य और पार्टियों के हाथों में ही केंद्रित रही है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में वे अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी अधिक नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की भी ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिससे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश व आम जन इससे जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे हैं, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिन पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का भी पूरा पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने वाले दिन तक भी अपनी सरकार की जबरदस्ती की असंख्य हवा हवाई घोषणाएं वे खोखले शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों का ही उद्घाटन आदि करने में ही ज़्यादातर जुटे रहे हैं। और इन्होंने अपना ये अभियान पुलवामा में हुए आतंकी हमले वाले दिन तक भी बराबर जारी रखा है, जिससे इनके राष्ट्रभक्त व देशभक्त होने का भी काफ़ी कुछ पर्दाफाश हुआ है। यहाँ इनके खास चहेते वे बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही और भी ज़्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में ही लगा रहा है। इसके साथ साथ इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये चुनाव घोषित होने से पहले देश की आम जनता को व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को भी लुभाने के लिए अपनी सरकार के आखिरी व अंतरिम बजट में जो भी इन्हें प्रलोभन भरी सौगातें दी हैं, तो ये ज़्यादातर इनके अपने राजनीतिक लाभ के लिए केवल दी गई नामचार के ही कुछ चुनावी सौगातें हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज़्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसके साथ ही यहाँ किसानों के गन्ना सहित अन्य और फसलों का भी बकाया पड़ा, वैन की कर्ज माफी का मामला तथा इन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं भी अधिकांश सब इनकी सरकारी फाइलों में ही या फिर इनकी खोखली बयानबाजी में ही सिमट कर रह गई हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में हमारी रही सरकार ने यहाँ किसानों का हर मामले में वे हर स्तर पर इनके हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा है। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही देश के खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि होने वाला नहीं है, बशर्ते जब तक यहाँ इनकी व अन्य और विरोधी पार्टियों की भी इन वर्गों के प्रति अभी तक भी चली आ रही इनकी जातिवादी, हीन, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है, जिसके कारण ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है।
इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों में भी पहले कांग्रेस की सरकार में और अब बीजेपी की सरकार में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकार के भी ज़्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके अलावा इन्हें जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए बने नियम वे कानूनों को भी अब इस सरकार में अधिकतर प्रभावहीन ही बना दिया गया है, जिसके कारण अभी भी इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना बंद नहीं हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।